कामा में एक गोवंश में अभी गोली लगी हुई है, जबकि मंत्री जी जवाहर जी के कहने पर भी और हमारे विधायक नोकछम चौधरी के कहना है कि गौ तस्करी और ओलेक्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बावजूद भी आए दिन गौ तस्करी और गोवंश में गोली मारी जा रही है, प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? इसके लिए विधायक को खुद को एक्शन लेना चाहिए। अब फिर विधायक से मिलेंगे आप? हाँ, कल विधायक से मिलेंगे हम। कल मंत्री जी भी आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे और इस विषय में हम बात करेंगे उनसे। कितने गोवंशों में? अभी फिलहाल 2 गोवंशों में गोली लगी हुई है। एक गोवंश माता जी गौशाला बरसा ने भिजवा दिया है अभी फिलहाल, और एक को हम अभी रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। पुलिस एक को लेकर गई है, उसने भिजवा दिया कि भेजो उसको, बाद में देखते हैं। बाद में हम ही देखेंगे, प्रशासन तो देखता ही नहीं है। अगर प्रशासन देखे तो इसमें गोली नहीं मारी जा सकती है गोवंश में कभी भी। किसी पे संदेह के गोली कौन ने मारी? ऐसा तो हमने नहीं देखा अपने, ये तो हर बार की घटना है, आए दिन घटना है गोवंश में गोली मारी जाने की। तो एक आध बार मालूम पड़ा, पहले पकड़े भी गए ना, उसमें गोली मारने वाले 2-3 पकड़े गए, कुछ अभी फरार चल रहे हैं। वो आए दिन घटना कर रहे हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा रहा है पुलिस के द्वारा। आज जो ये गोली लगी है कितने दिन हुए? इसको करीब 3 दिन हो गए इनको दोनों को लगे। 3 दिन पहले से ही मालूम है आपको? मालूम है, हम इनके पीछे रेस्क्यू के लिए घूम रहे हैं, मगर हाथ नहीं आते हैं हमारा। आज हाथ आया, एक तो पकड़ लिया, एक को अभी देखते हैं, उसकी कोशिश करेंगे पकड़ने। पुलिस को सूचना अब दी है? पुलिस को सूचना सुबह की दी, अब भी दी है। बाबा ने एडिशनल को फोन करो, एचपी को फोन करो। महाराज जी ने एडिशनल को भी फोन किया है, तो एडिशनल ने थाने फोन किया, तो एडिशनल तो आए नहीं थे, मगर जाप्ता भेज दिया। हाँ, जाप्ता भेज दिया, मगर मेरा तो कहना यह है कि प्रशासन बिल्कुल गौ तस्करी के मामले में ढीला डाला है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ध्यान देते थे पर डे की ये घटना क्यों होती गोवंश के साथ में? रात में भी निकल रहे हैं कुछ? रात में गौ तस्कर नहीं निकल रहे, गोवंशों को ले जा रहे हैं। हाँ, गोवंश जा रहे हैं गाड़ियों में, हर पकड़े जा रहे हैं। तो कामा के अंदर तो एक दिन अभी नहीं पकड़े जा रहे, कहाँ कर रहे हैं पता नहीं, जा रहे हैं ये पकड़ा कन्फर्म है जा रहे हैं। हम लोकेशन देंगे ना गाड़ी की आने की, कब आ रही है कब नहीं आएगी। आपने एक आध दिन लोकेशन दिए कभी? नहीं दी लोकेशन, तो देते हर बार। अब कब की दी है? अभी तो कई दिन हो गए दिए। पुलिस नहीं कर रही है आपका? हाँ, कहने का मतलब है ढीला डाला है प्रशासन का मामला विधायक और मंत्री के निर्देश के बाद? मंत्री जी ने कहा है कि गाय का पूंछ का बाल भी अगर किसी ने उखाड़ा उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। तो कामा के अंदर तो रात दिन गांव में गोली मारी जा रही है, पूंछ की तो बाल की तो बहुत छोटी बात है। IPS हैं जो अपने भरतपुर के राहुल प्रकाश जी, उनका भी तो यही कहना है मेरी बात में, अब गौ तस्करी और साइबर ठगी पर बिल्कुल लगाम लगा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, सबका कहना है ये पे नहीं, लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही, हम तो ये पूछना चाहते हैं प्रशासन से। आज से लगभग 2-3 दिन पुराना केस है, दोनों पैरों के बीच में गोली लग रही है और उसके जो अंडकोश है वो भी खत्म हुए पड़े हैं, और एक पैर से चला नहीं जा रहा, एक पैर भी ख़त्म है, और अभी तो एक बिजार और है उसके भी पैर में गोली लगी हुई है और वो यहीं पर पड़ा हुआ है थोड़ी सी आगे, लेकिन वो हाथ नहीं आ पाए। पड़ा हुआ है तो हाथ क्यों नहीं आ पाया? हाथ नहीं, भगदे है जब जामे है, जब एक पैर से वो भी लंगड़ा रहा है अभी, उसके पैर में लगी हुई है पैर में हीरो, यहीं अभी कोई भी जाके देख लो। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, वो तो यूँ कह रहे साहब ये तो मार रहा है ऐसे कह के, और एक कोई और जो इसके गोली लगी है इसको कहाँ भिजवा दिया? अब बरसाना गौशाला भिजवा, माता जी गौशाला। पुलिस आई क्या कह गई? पुलिस तो यही है कि भाई अब तो अब जो हो गया इसका उपचार कराओ और भाई भेजो इसको। तो कौन मारता है ये अभी मालूम नहीं है, कौन मार रहा है, आए दिन घटना हो रही है, ये तो पुलिस ही जाँच करके बताएगी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही। विधायक से मिले आप इस मामले को लेकर? ठीक है।